तो दोस्तों इसका देखना, मैं इसे ऑन करता हूं, देखना मैं इसे ऑन कर रहा हूं और इसकी रिंगर देखते हैं बोलती है या नहीं बोलती है। तो वीडियो में बने रहें और मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो मेरा सेट अभी ऑन हो रहा है, तो मैं इसे ऑन होने देता हूँ। और दोस्तों इसमें देखना है, यहाँ पे मैंने एक स्क्रेच किया है, आपको यहाँ पे नज़र आता होगा, ये देखना मैंने यहाँ पे स्क्रेच किया है इसकी। दोस्तों ये लाइन मिसिंग हो गई थी यहाँ से, ये दोस्तों यहाँ से सप्लाई, ये प्लस वाली सप्लाई है और ये इसकी पावर आईसी में ही जाती है, जो स्पीकर की आईसी है उसी में इसकी प्लस वाला पॉइंट यहाँ से जाता है, ये ब्राइटनेस वाला पॉइंट है, यहीं से प्लस की लाइनिंग जाती है। तो इसमें देखना है दोस्तों, ऑन होते पे कोई रिंगर नहीं बोला है, नहीं तो मेरा सेट अब तक बोल जाता। तो मैं चलता हूँ इसमें सेटिंग में लेके आपको। सेटिंग में लेके चलता हूँ। दोस्तों ये कीपैड अभी मेरा शॉर्ट सा हो रहा है, तो मैं इसे कीपैड मेरा थोड़ा कम ले रहा है, देखना मैं अभी चेक नहीं करा पा रहा हूँ दोस्तों, इसमें बटन की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब सेट ऑन होता है तभी हमारा ये प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये आवाज़ करता है स्पीकर, इसने आवाज़ नहीं किया था, आप इससे समझ जाइएगा। और ये देखना, जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे देखना, एक यहाँ से एक लाइनिंग गई हुई है, ये देखना यहाँ से एक लाइन, यही है दोस्तों, ये एक सिंगल लाइन है, ये देखना ऐसी एक लाइन है, ये वाली दोस्तों एक ही लाइन है। तो दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्क्रेच कर लेना है, देखना मैं यहाँ पे स्क्रेच कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आगे भी स्क्रेच कर लेता हूँ आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ पे एक लाइनिंग आई हुई है, यहाँ देखना दोस्तों, अब ये दो मतलब एक ही लाइनिंग के दो पॉइंट हो गए, तो ये हम आपस में टच कर देंगे तो हमारा स्पीकर की जो प्रॉब्लम है वो हमारी दूर हो जाएगी। तो ये देखना, तो मैं दोस्तों यहाँ पे रीसोल्ड कर देता हूँ, झपड़ मार देता हूँ जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये देखना, शायद हमारा ये देखते हैं एक बार, शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड वाला भी पॉइंट है, तो ये देखना और इस पे लगाते हैं ग्राउंड पे, शायद ग्राउंड वाला भी दोस्तों हमारा इससे मतलब शॉर्ट हो रहा है, तो दोस्तों हमें इसे हटाना होगा। देखना मेरा यहाँ पे शोल्डर लग गया है, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे हटाना होगा ये वाला, गलती से लग गया। आप भी दोस्तों हिसाब से काम कीजिए कि आपका शॉर्ट नहीं हो जाए, नहीं तो आपका रिंगर का जो प्रॉब्लम है वो बनेगा नहीं। तो मैं अब चेक करता हूँ मीटर से, मेरा ग्राउंड वाला पॉइंट इसमें भी दोस्तों ये बीप कर रहा है, तो इसे और क्लीन कर लेता हूँ मैं पेचकस की मदद से। आपको ध्यान में देते ये वाला ग्राउंड वाला पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो। आप देखते हैं
देखना दोस्तों, अब मेरी सॉर्टिंग की प्रॉब्लम दूर हो गई है। मल्टीमीटर में देखना, सॉर्टिंग की प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ के लिए आपको झंपड़ करने ना है, बड़ा ही सावधानी से करना है दोस्तों। तो मैं अभी यहाँ पे आपको झंपड़ करके दिखाता हूँ। वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, पर आपको देखना जरूर है। अब ये वाला पॉइंट हम इसको भी रिसोल्ड करते हैं। और दोस्तों बड़ी सावधानी से आपको झंपड़ लगाना है। ये देखना, मैंने इसका झंपड़ लगा दिया है। अब दोस्तों मैं इसको चेक करा के दिखाता हूँ आपकी यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। और नहीं होती है आपको, फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये देखना, मेरा भी सेट ऑन हो रहा है। तो देखते हैं मेरी रिंगटोन बोलती है या नहीं बोलती है। और दोस्तों आपका यहाँ से काम नहीं बनता है तो एक स्टेप और बताऊंगा, उस स्टेप से आपका काम 100% बन जाएगा। तो ये देखना, अभी मेरा सेट ऑन हो रहा है। तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी मेरा रिंग बोलता है या नहीं बोलता है। मेरा पीछे रिंगर लगा हुआ है और देखते हैं बोलता है या नहीं बोलता है। वेट करते हैं थोड़ा, देख लेते हैं बोलता है या नहीं। तो ऑन होगा, तैसे ही बोलने लगेगा। देख लें दोस्तों, बोल गया मेरा रिंगर, अभी बोला था। आपके पास आवाज़ भी आई होगी। तो दोस्तों यहाँ से आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और नहीं होती दोस्तों, आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे ये वाली आईसी दी हुई है। दोस्तों आपके पास एक दूसरा बोर्ड है आपके पास, तो दोस्तों आपको बड़ी सावधानी से डिस्प्ले रिमूव करके आपको ये वाली आईसी चेंज कर लेनी है। ये वाली आईसी आपको चेंज कर लेनी है, ये वाली, और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ये वाली आईसी चेंज कर लेनी है और आपको ये वाला कैपेसिटर भी चेंज कर देना है। दोस्तों आपकी सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाने के कारण, बैटरी डैमेज की वजह से आपकी प्रॉब्लम आने लगती है। और ये दोस्तों आपको ये वाले चेंज कर दोगे और ये कैपेसिटर चेंज कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ से नहीं होती है तो दोस्तों यहाँ पे देखना दोस्तों, दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। आपस में दोस्तों इसे सॉर्ट कर देना है, एक ही पॉइंट होता है दोस्तों। ये वाला पॉइंट दोस्तों आपकी इस वाली आईसी में जाता है, इस वाली आईसी में जाता है। देखना दोस्तों, यहाँ पे जस्ट नीचे है, इसी के नीचे दोस्तों ये आईसी है, इसी आईसी में प्लस वाला पॉइंट लाइनिंग जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरा वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।